आरबीआई का गाइडलाइन छोड़ तोड़ के जो में रख के धमकी कैसा मैं दिया वो कि मेरे को और मेरा फैमिली को जेल में डालेगा वो। क्या डाल के तो देखे, अरे वो जाके कंप्लेंट करके डाल के तो देखो सर। मैं हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर आपका पेमेंट पेंडिंग है ना सर SBI कार्ड में जो आपका 1,38,000 का है ना पूरा जो ये अभी पूरा पे करते सर मगर लाइक आप सेटलमेंट करते। हाँ मैं वो पेमेंट के बारे में तो मैं बात करूंगा। ठीक है एक मिनट। हाँ एक सेकेंड। हाँ बोल बोलिए। हाँ बोलिए सर। अब ये पूरा अमाउंट है ना जो आप बोलना बोलना पड़ता सर आप पूरा पे करते। आप पूरा पे कर रहे तो आपको कार्ड एक्टिवेशन आता फिर कार्ड यूज करने का रहता नहीं तो आपको फाइनेंशियल इश्यू है तो आपको सेटलमेंट करने का भी ऑप्शन है सर। ओके सर आपका क्या बोलते हैं एजेंसी का नाम बताइए ना मुझे। आपको जो बोले तो आपका आपका डिटेल्स मेरे पास नहीं है क्यों आप मुझे कॉल कर रहे करके। नहीं नहीं आपका नाम क्या बताया। मेरा नाम अर्जुन है सर। सर एक बात सुनो सर। बोलिए सर मेरा सब कुछ है मेरा आईडी कार्ड है ये भी हमारा रजिस्टर नंबर है आपको कुछ भी टेंशन मत ले लो सर। टेंशन लेने की कुछ बात नहीं किस चीज का टेंशन लेना बोलो आप क्या क्या है करके टेंशन लेने के लिए। एक मिनट आप सेटलमेंट कर रहे हो तो बोले तो मैं आपको सेटलमेंट लेटर ऑफिशियल मेल आईडी से आपको भिजा दूं। नहीं अभी फिलहाल मेरे को सेटलमेंट करने का इसमें नहीं हूँ। नहीं आपका एजेंसी से मेरे को किसी ने कॉल किए धमकी दिया है कि मैं पुलिस केस कर दूंगा 420 केस कर दूंगा तुम्हारा फैमिली को पूरा मैं अंदर कर दूंगा। नहीं मेरे को पहला उनका नंबर है आप ऑफिशियल आईडी से मेरे को मेल कीजिएगा मैं उसमें मेल कर दूंगा। ठीक है ना जो भी आपको होना पूरा प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट के साथ वॉइस रिकॉर्ड के साथ पूरा मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना कोई टेंशन नहीं मेरे पास सब कुछ है। क्या बात किया सर आप क्या बात कर रहे हैं। अभी एक जन के लिए आपको पूरा अमाउंट पेमेंट डिले कर रहे हैं आप। एक जन क्यों एक जन धमकी दे सकता है मुझे मेरा फैमिली को ये कर सकता है बोले तो एक चीज का कितना छोटा चीज है क्या धमकी देना। मॉर्निंग जस्ट टेल मी सेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर आई विल टेक एन एक्शन ऑन हिम। वही ना आप मेल आईडी से मेरे को मेल कीजिएगा मैं आपको सेंड कर दूंगा उसके बाद आप क्या एक्शन लोगे ले लेना। सर एक बात सुनते मेल विल बी सेंड टू यू और ओनली फॉर द सेटलमेंट। सुनिए नॉट फॉर एनी इंक्वायरी सर। सर एक बात बोलो सर एक बात बोलो जो है हुआ मैं आपको बताया। ठीक है ना और एक आदमी आता है घर के पास बैठता है दो दो घंटे बैठता है आजू बाजू वाले के सामने ये करता है तो क्या होगा उसका बोलिए आप। तो पेमेंट में आज नहीं तो कल नहीं। सुनिए सर एक सेकंड सर पेमेंट आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तो मैं पेमेंट तो करना ही चाहिए। ठीक है ना इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को हराज करें आप मेरे को धमकी दो उसका मतलब ये नहीं है कि धमकी दो आप मुझे। सर धमकी कौन बोले तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव वैसा रहता ना सर रिकवर में गए तो सर आपका फाइल अभी रिकवर में नहीं है हमारा ब्रांच में है। आपको फोन भी कॉल नहीं करते यही कॉल पे आपको कॉल आता एक ही नंबर से कॉल आता आपको एक ही इससे पहले भी मेरे को जो भी फोन किए वही बोले एक दो जने यही बात बोले। मेरा कॉल रिकॉर्ड करो सर मेरा कॉल रिकॉर्ड करो सबका कॉल रिकॉर्ड होता है आपका नहीं सबका कॉल रिकॉर्ड होता है मेरे पास। क्या बोल रहे सर ये अमाउंट के लिए आपको डिले मत करो सर बिकॉज ऑलरेडी यू हैव अ गुड ट्रैक। सुनिए सर एक चीज तो मेरे को वो धमकी दे रहा था कि मेरे को जेल में डाल देगा 420 केस डाल देगा और क्या 305 कुछ 308 कुछ चेक बाउंस कर देगा वो कुछ बोल रहा था उसके साथ साथ मेरा फैमिली को भी लेकर जाएगा करके बोला था बीवी बच्चे सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को मेल कीजिएगा मैं आपको मेल नंबर दिया बोले तो आप नंबर नहीं देते। सर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ आप मेरे को मेल कीजिएगा मैं मेल में कर दूंगा व्हाट्सएप में करके फायदा क्या है। एक काम करेंगे आपको एक बार ब्रांच को विजिट करो सर वैसे पूरा ब्रांच में रहता हम एक बार आया तो बात करेंगे आपका बता बात है सर। हाँ मेरे को जब टाइम मिलेगा जब मैं आऊंगा। ठीक है ना सर वन मोर थिंग सर एंड वन मोर थिंग तो एक काम कीजिए आप सर आप एक आपका नाम क्या बताया आप मैं भूल गया हूँ अर्जुन अर्जुन सिंह। अर्जुन जी आप एक काम कीजिए सर आप कल शाम में ना 7:30 बजे आ जाइएगा मैं घर पे मिलूंगा आपको। ठीक है ना आपका सामने मेरे को मेल कीजिएगा आपका मेरा फोन में मैं आपको विद इन सेकंड में आपको पूरा मैं भिजा दूंगा जो भी आपको होना है जो मेरा धमकी का है उसका सोल्यूशन। मेल आपको क्या होना आप मुझे मेल कीजिएगा कि कौन आपको धमकी दिया है उसके बाद मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है ना
जो भी है, सर एक उसके एक बाद बात सर, सोल्यूशन नहीं, जब वो केस लगाएगा उसके बाद देखेंगे कि सुनिए केस का क्या होगा। सर, यू आर नॉट लिसनिंग टू माय वर्ड। बोलिए जस्ट बोलिए लेट मी टेल यू सर, जस्ट लेट मी टेल यू, बोलिए। हु हैज गिवन यू द वार्निंग लेटर्स एंड वार्निंग मैसेज, आई डोंट नो हु इज दैट ब्लेडी हैज टोल्ड यू दिस ऑल, बट फॉर दैट आई एम इनकन्वीनियंसली टेलिंग यू सर फ्रॉम माय साइड ऑन बिहाफ ऑफ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आप जेन्युइन पर्सन हो सर, आप जेन्युइन पर्सन हो, आप एसबीआई का अधिकारी हो। If I am not genuine, why will I ask you for the sir, payment? आप जेन्युइन पर्सन time? है तो आपका आईडी कार्ड मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज। माई आईडी कार्ड? हाँ सर, मालूम चला ना बैंक से है, जेन्युइन पर्सन हो आप, जैसे बोल रहे हो सामने वाला भी वही बात करके बात किया मेरे को। आप मेरा आईडी कार्ड कीजिएगा, मैं सेव कर लूंगा, मेरे इसमें मेरे गैलरी में सेव कर लूंगा, ताकि मैं बोल सकूँ कल के दिन आपसे मैं बात हुआ जो भी हो। ठीक है, तुम एक बात, हमारा एग्जीक्यूटिव आईडी कार्ड से एक बार भी जाए तो सर, ठीक है, आपका 7:30 को आईडी कार्ड, होम विजिटिंग लेटर और ऑथराइज लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आ जाना, ठीक है ना? सर, ऑथराइज लेटर, ऑथराइज लेटर, व्हाट ऑथराइज लेटर? ठीक है सर, उन्हें ऑथराइज जो बैंक आपको ऑथराइज कर रहा है आपको एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। मैं मिलने के लिए तैयार हूँ सर, कल 7:30 बजे, 7:30 बजे आप मेरे को आ जाना है, मैं मिल जाऊंगा। क्यों बोले तो मैं घर पे नहीं रहूंगा दिन का टाइम में, ठीक है ना? दिन का टाइम में हाँ, मैं दिन में घर में नहीं रहूंगा, मैं बाहर रहूंगा, मैं शाम में 7:30 बजे आ जाऊंगा, उस टाइम मैं मिलूंगा सर आपको। सर व्हेनेवर यू नीड वी शुड कम टू यू सर, आपका पेमेंट पेंडिंग है तो वी शुड कम टू योर प्लेस। हाँ फिर आप मिलना चाहते तो आगे पेंडिंग है तो हम कहीं को आते सर तुम्हारा घर को, एक बात सर ऑफिशियली बात कर रहे तो अनऑफिशियली बात करे तो तुम्हारा पेमेंट पेंडिंग है, आप बैंक को आ जा सकता, मैं कहीं को आते सर आपको घर को, एक बात हो जाती है। जिनको जाते मैं फंक्शन को जाते बोल रहा है तो सर बहुत सुकून से बात करे सर। मैं फंक्शन नहीं बोला, आप अच्छी तरह सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन में नहीं रहता हूँ बोला सर, योर पर्सनल टाइम सर, दैट इज योर पर्सनल टाइम एंड यू आर टेकिंग पर्सनल टाइम फॉर संडे। ठीक है, संडे के दिन मैं घर में रहूंगा, घर में मिल लेना, ठीक है? संडे इज नो बैंक सर, संडे इज नो बैंक, इफ यू वांट टू कम टुमारो जस्ट कम टू द बैंक और एल्स टू टेक द लीगल नोटिस एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अदरवाइज डोंट आर्ग्यू विद मी सर एंड यू आर टॉकिंग वेरी ऑल सर। हिंदी में, हिंदी में बात कीजिए, मेरे को इंग्लिश नहीं आता प्लीज, हिंदी में बात कीजिएगा, मेरे को इंग्लिश समझ नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं मेरे को समझ के बाहर है। हाँ बोलिए, हमने पहले आप आर्ग्यू कर रहे हैं, मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, आप आपका नहीं समझ रहे हो कि सामने वाला मेरे को धमकी दिया है, आप वो बात नहीं समझ रहे हो, ठीक है? आपको सोल्यूशन बोले तो आपको सोल्यूशन ना सुनते, सेटलमेंट करे बोले तो सेटलमेंट नहीं करता बोलते। ठीक है, काम कीजिए ना सर, आप एक काम कीजिए ना सर, जो भी मेरे को धमकी दिया उसको बोलेंगे पुलिस स्टेशन में कम्प्लेट करे, ठीक है ना? कौन दिया सर धमकी दीजिए, बोलने वाले तो आपका होना ना, उन्हें नाम से आप धमकी दिया, कौन बोल रहा सर? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सेंड करूंगा बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को मेल आईडी सर, अभी पेमेंट पेंडिंग है ना, तो मेरा मैं अब केस डालना चाह रहा हूँ उसको, उसको लेके ऑफिस को धमकी दिया, उसको पर्सनल ले लो आप, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, जो भी है आपका एसबीआई का ही मेरे को एजेंट है, कौन है मुझे नहीं मालूम, वो धमकी दिया है तो उसे लेके आइए, उसके साथ बात करेंगे, ठीक है ना? जो भी है मुझे नहीं मालूम, सीधी सी बात है, ठीक है ना? ठीक है, अभी एक बात सर, अभी एक बोलिए, धमकी कौन दिया वो आप जाने सर, मुझे क्या मालूम आपका आदमी है कौन है, वो तो बोला था मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको पूछा था आईडी कार्ड, वो भी आईडी कार्ड नहीं दिया, आप भी नहीं दे रहे हो। सुनो, मैं आपको क्लियरली बोला, आपका आईडी कार्ड सेंड कीजिएगा, मेरे इसमें मैं सेव कर लूंगा कि ताकि मैं आपसे बात करूं कि जेन्युइन पर्सन हो आप। हेलो हेलो शिव कुमार जी, हाँ बोलिए। बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले आपको तो आपको कुछ एग्जीक्यूटिव से प्रॉब्लम हुआ, बोल क्या पेमेंट रोक दिया क्या? मैं नहीं रोका पेमेंट, मैं तो देना चाह रहा हूँ अभी, आज नहीं कल नहीं परसों मैं तो दूंगा, पक्का दूंगा, लेकिन मेरे को धमकी कैसा दिया वो? आरबीआई का गाइडलाइंस छोड़ तोड़ के जो मैं रख के धमकी कैसा दिया वो कि मेरे को और मेरा फैमिली को जेल में डालेगा वो? नहीं नहीं, मैं डाल के तो देगा, अरे वो जाके कंप्लेंट करके डाल के तो देगा सर, मैं नहीं नहीं, मैं उसके लिए तो ना रोका हूँ, मैं उसके लिए नहीं रोका हूँ, मैं वो मेरे को धमकी कैसे दिया मेरे को वो चीज होना, मुझे कौन आपको कौन राइट दिया कि धमकी देने के लिए? नहीं नहीं, ठीक है सर, आप पेमेंट रोक रोके ना, ये सही तरह का है सर, मुझे मालूम है मैं पेमेंट रोका नहीं हूँ, मेरे पास अब पेमेंट नहीं है इसलिए मैं कर नहीं सका हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे